पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कुछ इस प्रकार। बीजेपी ने जो कॉन्स्पिरेसी की थी, षड्यंत्र किया था कर्नाटक के अंदर, फिर मध्य प्रदेश के अंदर, उसके पहले के राज्यों के अंदर। आप देख लो महाराष्ट्र में क्या हुआ है। तो जो राज्यों में, ये गोवा में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में अंदर, सब जगह इन्होंने ही काम किए। ताज़ा उदाहरण था हमारा मध्य प्रदेश का और कर्नाटक का, वही टैक्टिक अपने यहाँ पर, उस पर पूरी तरह एक्सपोज हो गए लोग। और प्रदेशवासियों की विजय मानता हूँ मैं, कांग्रेस की नीतियों की, कार्यक्रमों के, सिद्धांतों की विजय है। और हमारे विधायक जो है, एक महीने से अधिक समय तक जिस रूप में सारे त्यौहार छोड़ करके, ईद हो चाहे वो रक्षाबंधन हो, तीज हो या जन्माष्टमी हो, सबको छोड़ के बैठे रहे, सब लोग एकजुट रहे, उनकी विजय है ये। और आज जो जिस रूप में बहस हुई है, उससे आपको मालूम पड़ गया कि विपक्ष के पास कहना कुछ था ही नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थे। और जिस रूप में एक्सपोज हुआ विपक्ष, बीजेपी, वो सबके सामने है। और वो समझ गए कि उनका उनका जो प्लान था वो फेल हो गया, बस मेन बात ये है। सर आगे क्या दिशा रहेगी, क्योंकि अब तो मैं कोरोना की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, मैंने उसमें भी कहा है कि जीवन बचाना हमारी जिम्मेवारी है। आज भी कोरोना जो है वो भयंकर महामारी का रूप है, संख्या बढ़ती जा रही है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। चिंता उसकी होनी चाहिए पक्ष विपक्ष को। हम तो रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, रोज़ रिव्यू मीटिंग करते हैं, लगे हुए हैं और सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ऐसे मामले में ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, सब मिलके हम कैसे काम करें जैसे कोरोना फैले नहीं। आज मृत्यु दर हमने 1% लगभग कर रखी है, जो सबसे कम है देश के अंदर। हम चाहेंगे आगे भी मेंटेन रहे और भी कम, एक भी मृत्यु क्यों हो। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है राजस्थान के अंदर, पूरी सुविधा यहाँ पर है। सबसे इलाज देश में कहीं हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है, और पूरा देश मान रहा है, WHO मान रहा है, सब मान रहे हैं। तो हम चाहेंगे, पक्ष विपक्ष अपील करना चाहेंगे, तमाम राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप छोड़ करके अभी एक उद्देश्य रखे, कोरोना का मुकाबला कैसे करें हम लोग। ये महामारी दिखती नहीं है, हो सकता आने वाले वक्त में उग्र रूप ले ले। ये सबको बचाव के जो एडवाइज की गई है, मास्क की गई है, सोशल डिस्टेंस की गई है, हाथ धोने की गई है, उसको सबको अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, मेरा मानना है।